वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज जड़ी पर वीडियो लेके आए जी, वटावली दस्तार की वीडियो है। प्रोपर वटावली पाके जड़ी के पर लेके आए हैं। स्पेशल टॉपिक है, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना जेकर तुसी भी सीखना चाहते हो। इधर नवे तरीके का जो वट बना के दिखावे कि पेंच जो अपना खराब हो जाता तो उन्होंने किमें सैट करिए बिना दोबारा लड़ने खोले। उम्मीद करते हैं अज की वीडियो पसंद आऊगी। वीडियो बदल लगता है प्लीज वीडियो में शेयर जरूर कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला ने जी आप पहला लड़ सिर के उत्तों लैके आना। सिर के उत्तों लियान तो बाद हल्के हल्के वट बनाने हैं। वट कि बनाने आप थले वालू पहला अंदर खोल लेना, अपने ऑटोमैटिकली वट बन जाएंगे तो इन सही तरीके जो आप पोजिशन में लड़ दो लगा लेंगे। लड़ लगाने तो बाद हम अपना लड़ पिछियों आ जाऊगा। पिछियों हल्का जहाँ जो पिंच जरूर करना ता जो थोड़े जोड़े लड़ बिल्कुल बराबर आन उत्तों की शेप सोहनी आवे। हल्का हल्का पिंच करो जो करना जरूरी है। कई वीर कहने मेरे पिछों लड़ नहीं सही होंगे तो पिंच जरूर करे करो। फिर उत्तों की आया ना उत्तों लियान तो बाद आप हल्के हल्के जो वट बनाने हैं सेंटर में पिंच करके, उस तो बाद सेंटर विचों हल्का हल्का फड़दिया होया वटा इकट्ठा करना लगा लेना। जे थोड़े वट खराब भी हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। जेकर थोड़ा पिंच खुल जाता है तो भी ये वीडियो थोड़े लिए है तो एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा ये वीडियो विचों, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स ये वीडियो आप जो दूर करके दिखावे थोड़ी। हूँ आप दो लड़ लगा रहे तीजे लड़ वाल चलते हैं। मेन तुम्हें दस्तार की शेप देखनी है तो वट तुम किसी भी तरीके पाओ कोई दिक्कत नहीं है। जेकर तुम बाद वट पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हूँ तीजा लड़ा के अपने उरे आके पूरा खोल लेना। खोलन तो बाद उस तो बाद पहला मोटा पला उत्ते वालू करना जी, तो पत्ता पतला पला थले वालू कर लेना। ये की होगा थोड़ी दस्तार की जी शेप है वह बिल्कुल करैक्ट आऊगी, क्योंकि हमेशा पला जरा उत्तों की मोटा हों पतला थले हों तो सेंटर विचों अपने लड़न अंदर वालू खिंचते हुए वट बनाने हैं, जो कि बहुत ही सौखा मैथड है। उम्मीद है थोड़ा पसंद आऊगा। तो उस तो बाद हल्का हल्का लड़ने दबा लेना। दबाने तो बाद जो अपने वट ने उन्होंने सैट करना, फिर उस तो बाद लड़ने लगा लेंगे। तुम ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो मैं थोड़ा दस रहा कली कली डिटेल में गल और प्रैक्टिस करनी है तो ही थोड़ी दस्तार में सुधार आऊगा। हूँ आप आवाज़ में हल्के हल्के जड़े अंदर वालू कर लेने जड़ से लड़। तो जेकर हूँ हूँ तुम चौथा लड़ दिखा के दिखावे। चौथे लड़ में की होंगे अपना कई बार वीरे लड़ ज़्यादा मोटा आ जाता है, ज़्यादातर अक्सर होंगे ही होंगे, क्योंकि काफ़ी वीर मेरे को पग सीख आते हैं परसनली। उन्होंने भी आ गल होंगी है कि लड़ काफ़ी मोटा आ जाता है तो यह क्यों आता आप लड़न सही तरीके नहीं खोलते। हूँ मेरी पूनी नहीं खुली तो मैंने लड़ नहीं है ज़्यादा खोलन की। जेकर थोड़ी पूनी खुल जाती है तो जिमें मैं तीजे लड़ करके दिखाया से उमें तुम कर सकते हो। उस तो बाद उरे आके आप हल्के हल्के वट बना के पिंच करना। पिंच करने तो बाद हूँ अपना जो कि मेन आप उरे आके दसिया अपना जो पिंच निकल जाता बार में। हूँ जिमें एक दो तीन बार मैंने अंदर किया फिर भी जब मैं वट खिंचने की कोशिश करूँगा तो जो अपना हवा वटा वाला तरीका ये जो अपना पिंच बाहर निकल जाता तो ये थोड़ी वीरे कोई दस्तार में फर्क नहीं पेगा। जेकर तुम चाहो उ एक पग पिन लगा सकते हो। वैसे जेकर थोड़े तो नहीं कंट्रोल होंगी ये चीज़ तो वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग इदा सही है, हाथों अपना जो अंदर वालू कर दो। जेकर आप पूरा खोल भी लेंगे उन्होंने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हूँ तुम देख सकते आप पूरा खोल लिया लड़न तो भी आप अंदर कर सकते हैं बाज की मदद ना, हल्का हल्का हाथ फेरना। मेन तुम देखना कि अपने जो दस्तार की शेप और ना खराब हो, क्योंकि वटा वाली पग में भी कुछ भी जो थोड़ा खराब हो भी जाता तो वह सही हो जाता। तो तुम मेन फ्री माइंड होकर पग बननी है, कुछ भी मतलब ध्यान नहीं देना। जिमें भी थोड़ी दस्तार आती है बनो आप दस्तार में सैट करा। हूँ फिर दोबारा देख सकते हो बहर आ गया उसे तुम पग पिन लगा सकते हो जेकर चाहो थोड़े तो ना कंट्रोल हो। वैसे तो मैं बाज ना ही सैट कर लेना हूँ, यह ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती पर काफ़ी वीरों को आती है। हूँ मैनू तो बहुत घट ही यह प्रॉब्लम फेस होंगी है बट काफ़ी वीरों को आती है। तो यह प्रॉब्लम का यही हल है जो मैं थोड़ा दसिया। हूँ आप चलते हैं जी जरा अपना पंजवें लड़ वाल। छे लड़ा की पग है तो काफ़ी कुछ जरा वीडियो कवर करने की कोशिश की है। हूँ आप चलते हैं पंजवें लड़ वाल, बिल्कुल उपरों साफ करते लैके आना। मोटे पला उत्ते वालू पतला पला थले वालू देख सकते हो ऑटोमैटिकली जो बन चुका है, इदा ही दस्तार की शेप बनती है। उस तो बाद पिंच करेंगे जी। पिंच करने तो बाद आप हल्के हल्के वट बनाने हैं। शेप तुम अपने अकॉर्डिंगली जिनी ज्यादा जिन्ना ज़्यादा चौड़ा लड़ रखना उन्ना रख सकते हो। मेन मैं थोड़ा एक मैथड दस दिन दस्तार से आता, बाकी हाथ वीरे थोड़ा अपना, क्योंकि हर एक बंद की अपनी अपनी सफाई होंगी दस्तार में। जो तुम प्रैक्टिस कर लग जाओगे तो बहुत कुछ नवा कर सकोगे। हूँ अंदर वालों जड़ में खिंच लेना सी। खिंचन तो बाद हूँ आप थोड़ा थोड़ा दस्तार में दबा लेना तो दस्तार की शेप सोहने तरीके तैयार हो गए। बाकी कई वीर तो हाले तक वट जड़े नहीं बनते। वैसे वट जड़े बनने तो कोई वड्डी गल नहीं है वट बनाने, पर हाले तक भी कई वीरों प्रॉब्लम्स आउंदियां जिहड़े बिगिनर्स वीर ने तो वो ये मैथड ट्राई करन कि जिहड़ा अपना पिंच अप करते हैं उत्थे तुसीं बाज ज़्यादा फेरो जिन्ना हो सकता पतला बाज फेरो,
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੜ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੀਚਰ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸੈੱਟ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਲੜ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮਰੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੜ ਵਧੀਆ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਵਾਂ ਲੜ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੋੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਣੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੁੱਪੀ ਵਾਲਾ ਲੜ ਆਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੋਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਟ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵੋਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬੀਆ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਗ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਿਨਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੂਬੀਆ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੂਬੀਆ ਕੱਪੜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੋਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਬਾਜ ਫੇਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ 1% ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲਾਸਟ ਲੜ, ਲਾਸਟ ਲੜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਵੱਟ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਚੂਗਾ, ਮੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜਚੇਗਾ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜਚੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਚ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੱਗ ਪਿੰਨਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪਣੇ 1,40,000 ਹੋਣ 'ਚ 1,000 ਕੁ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੱਬ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਸਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ। ਰੋਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਮੀਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।